एक का चल रहा है बायकॉट तो दूसरे की चल रहा है बैंग करने की मांग। जल दोस्तों आज हम बात करेंगे शाहरुख खान की मच अवेटेड फिल्म पठान, जिस मूवी का टीजर का बेसब्री से इंतजार कर रही है ऑडियंस, और दूसरी तरफ चल रहा है इस मूवी का धमाकेदार बायकॉट। तो दूसरी तरफ एक और आदि पुरुष जो कि प्रभास पैन इंडिया सुपरस्टार प्रभास की मूवी आदि पुरुष, जिसका टीजर रिलीज हो चुका है 2 अक्टूबर 2022 को। जी हाँ दोस्तों, गांधी जयंती के ऊपर इस मूवी का धमाकेदार टीजर रिलीज किया गया और इस मूवी का भी इंतज़ार बहुत ही ज़्यादा से किया जा रहा था। लेकिन दोस्तों टीजर रिलीज होते ही ये पूरी तरह से कंट्रोवर्सी में फंस गया और अब कयास शाहरुख खान की याद ऑडियंस को आने लगी। जी हाँ दोस्तों, पूरी तरह से शाहरुख खान वर्सेज पैन इंडिया सुपरस्टार प्रभास हो चुका है। तो इन दोनों की फिल्में आ रही हैं जनवरी के महीने में। सबसे पहले हम बात करते हैं आदि पुरुष जो कि पैन इंडिया सुपरस्टार प्रभास की फिल्म, ये आ रही है 12 जनवरी को। तो दूसरी तरफ शाहरुख खान की मच अवेटेड फिल्म आ रही है 25 जनवरी को। जी हाँ दोस्तों, 25 जनवरी 2023 को मात्र 13 से 14 दिन का गैप बीच में और दोनों का मेगा क्लैश। जी हाँ दोस्तों, एक का फिल्म का बजट है 500 करोड़, तो दूसरी फिल्म का बजट है 250 से 300 करोड़। तो देखना दिलचस्प होगा हम इन दोनों मूवियों से, यानी कि दोनों फिल्मों में से कौन सा ज़्यादा बाजी मारेगा बॉक्स ऑफिस पर, कौन जंग जीतेगा। एक की चल रही है VFX की जोरों शोर से कंट्रोवर्सी, जिसे बताया जा रहा है कि VFX बहुत ही खतरनाक, बहुत ही इलीगल तरीके से, बहुत ही अच्छा नहीं है, बहुत ही ख़राब बनाया गया। तो दूसरा चल रहा है टीजर की मांग, यानी कि बहुत ही जोरों शोरों से YouTube पर सर्चिंग में आ रहा है कि पठान मूवी का टीजर रिलीज करो, पठान मूवी का टीजर। जी हाँ दोस्तों, आने वाला 25 अक्टूबर को इस मूवी का धमाकेदार टीजर, या फिर 2 नवंबर को। कमेंट जरूर करें दोस्तों इन दोनों मूवीज़ को।